अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो बॉल्स। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 अदद मैंने बड़े साइज के आलू लिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। चावल का आटा ये 2 चम्मच है। ब्रेड क्रम्स ये हस्बे जरूरत है, जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन ये 3 चम्मच, 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, उबला हुआ अंडा 1 अदद और 1 अदद कच्चा अंडा है, ये हम इसको डिप करने के टाइम इसको यूज करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच, साबुत सूखा धनिया 1/2 चम्मच, कुटी काली मिर्च 1/2 चाय की चम्ची, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चाय की चम्ची हल्दी पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स करना। सबसे पहले मैं एक ग्रेटर की मदद से आलू को कद्दूकस कर लूंगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेंगे और बहुत ही मजे के बनेंगे। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आलू को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब ये जो बॉयल अंडा है इसको भी मैं कद्दूकस कर लूंगी। अंडे को भी इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो अभी हम बाकी की चीजें इसमें मिक्स करेंगे। तमाम धनिया, स्प्रिंग ऑनियन और हरी मिर्चें ये शामिल करेंगे। तमाम मसाले और साथ में चावल का आटा, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तमाम चीजों को अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए इसको छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में तैयार करते हैं। एक प्याले में मैंने पानी ले लिया और अपने हाथ में जितना आपको मिक्सचर चाहिए अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस साइज का आप लोगों ने बना लेना है। अगर आपको बड़े चाहिए या कोई और शेप में पसंद है वैसे बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में तैयार कर लिया है और मैंने 2 अंडों को बीट कर लिया है क्योंकि मुझे 1 अंडा कम लग रहा था। तो चलिए अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बॉल को अंडे में डिप कर लेना है, अच्छे से इसको कोट कर लेना है, फिर साथ में ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेना है। इस तरीके से और ऑयल में शामिल कर देना इसको। और अपने चूल्हे को मीडियम से लो फ्लेम पे रखना है क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपको पता है ये ब्रेड क्रम्स फौरन से जल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अंदर तक इसको हीट नहीं पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं कि ये मैं होममेड ही ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ। इसको मैंने ब्रेड को सुखा के ओवन में इसको अच्छे से क्रश कर लिया था। तमाम बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप वक्फे वक्फे चेक करते हैं, अगर एक साइड इसकी पक चुकी है तो आप साइड चेंज कर सकते हैं। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसको दूसरी साइड पे चेंज करते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। जिसको एक प्लेट पे नीचे बेकिंग पेपर मैंने रखा है ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल इस पर निकल सके, तो प्लेट में निकाल लेना। जी तो व्यूअर्स मैंने पोटैटो बॉल्स को डिश आउट कर लिए, आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक के बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने हैं। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।